जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अनंत चतुर्दशी। बहुत ही खास और विशिष्ट दिन होता है दोस्तों। हिंदू धर्म के अंदर जो व्यक्ति समझता है उसके लिए अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस बार का यह व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा करने से, अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वह अपने आप ही दूर होने लगते हैं। लेकिन अनंत चतुर्दशी के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले सुन ले कि इसका मुहूर्त क्या रहेगा। तो 31 सितंबर की सुबह 5:59 से लेकर 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का इस बार शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। और इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसे वस्त्र अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करें। उसके बाद भगवान विष्णु की आप सामने तस्वीर लगाएं। एक छोटी सी कुमकुम डोरी लेके कुमकुम केसर और हल्दी से उसे रंगकर उसमें 14 गांठें लगा दें। जब आप इसे भगवान विष्णु जी को चढ़ाकर आप पूजा करें, और पूजा करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र है अनंत संसार महासुदे मग्र समुंधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोग जस्व हांता सूत्राय नमो नमस्ते। इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपको पूजा में बैठे पुरुष को अपने दाएं हाथ के बाजू और महिलाएं बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोज कराएं और आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। इसकी पूजा दोस्तों ग्रहों की जो अशुभता होती है उसको दूर करके आपके जीवन के अंदर ग्रहों का तालमेल बैठाती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर इस दिन पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। और अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली सारी परेशानियों के आपके के अंदर से दूर कर देती है। इतना महत्व इस प्रभावशाली अनंत चतुर्दशी अनंत चौदस का रहता है। दोस्तों, इस दिन आप गोमाता से जुड़ा एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति को यह उपाय बहुत ही सहजता के साथ हो जाएगा और उसे आप किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं देखना पड़ता, कोई कष्ट नहीं देखना पड़ता। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर गोमाता की कृपा देखने को मिले। तो दोस्तों, आप क्या करें, बहुत ही सिंपल और छोटा सा उपाय करके देखिए, आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिल जाएगी। आप क्या करें कि अनंत चतुर्दशी की महिमा देखने के लिए और महिमा जानने के लिए आप एक अलग से आटा औसन लें। और दोस्तों, उस आटे को आप भगवान विष्णु के निमित्त करें, क्योंकि भगवान विष्णु के अनंत रूप का यह दिन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही आपके जीवन के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां पर साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान रहती है। तो आप क्या करें कि माता लक्ष्मी और अनंत भगवान की पूजा के लिए आप एक अलग से आटा औसन लें और उसके अंदर थोड़ी सी काले तिल डाल दें और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया, आखा सबूत धनिया रहता है, उसे आपको डाल देना चाहिए। और उसके बाद क्या करें, उस आटे को ओसन कर आपको उसकी रोटियां बना लेनी चाहिए, जो संख्या के अंदर जिनके अंदर 2 का भाग नहीं चाहिए, एक ही वाली रोटियां होनी चाहिए। जैसे कि आप 3 बनाए, 5 बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए, लेकिन 8, 4, 6 इस प्रकार से रोटियां आपको नहीं बनानी है। इस प्रकार से आपको आटे को ओसन कर तैयार कर देना है। अब आप क्या करें कि उन रोटियों को लेकर भगवान विष्णु के आगे बैठे और उनके ऊपर घी लगाकर, गुड़ लगाकर प्रत्येक रोटी के अंदर छोटा सा गुड़ रखें। और प्रत्येक रोटी के अंदर छोटा सा गुड़ रखने के बाद आप भगवान विष्णु के अनंत रूप से यही प्रार्थना करें कि आप उनके जीवन के अंदर रहे, उनके घर के अंदर रहे और सदैव आपके घर परिवार के अंदर खुशियां भरी रहे। इस प्रकार की मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें कि भगवान विष्णु के समक्ष उन रोटियों को आप रख दें और प्रत्येक रोटी को उनकी तस्वीर के सामने रखें। और प्रत्येक बार आप व्रत की पर आप उनको बोले कि इस प्रकार से आप उनका व्रत पूरा करें और लक्ष्मी विष्णु मंत्रों का जाप करें और धन प्राप्ति के ओम ह्रीम ह्रिये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद क्या करें कि प्रत्येक रोटी के अंदर गुड़ डालकर आपको उन रोटियों का एक जगह स्थान पर आपको रख देना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें कि प्रत्येक दिशा की तरफ आप को जाना चाहिए। प्रत्येक दिशा का मतलब है
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से आपको आपको उन दिशाओं के अंदर जाना चाहिए। तो संख्या के अंदर आपको चार रोटियां तो यहां पर लग जाएगी। तो आप क्या करें, उन सारी दिशाओं के अंदर जो भी पहली गौ माता हो, किसी भी वर्ण की हो, सफेद काली या गेहूं एक कैसे भी रंग की गौ माता हो, बस आप मात्र उनको वह आप रोटी खिला दें गुड़ के साथ। और जब आप उनको रोटी खिलाएं तब उनके सर के ऊपर हाथ फेरे और आपकी जो उनकी जो भी मनोकामना आप मांगना चाहते हैं उनके कानों के अंदर आपको मनोकामना बोल देनी है। और क्या करना है कि उनके पैरों की जो मिट्टी रहती है गौ माता की, वह थोड़ी सी चाहे चिमटी भर हो या मुट्ठी भर हो, उनकी पैरों की मिट्टी को आप लेकर एक लाल कपड़े के अंदर रख दें। चारों दिशाओं के अंदर आपको ऐसा ही करना है। और उसके बाद आप क्या करें कि जो आपके उसके बाद भी रोटियां बचती है, क्योंकि संख्या में आपको कम से कम 7 रोटी तो बनानी ही है। अब आप क्या करें कि एक रोटी आपके घर के आसपास कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर गौ माता मिलती है उनको खिला दें, और बाकी जो 2 रोटी बचती है उसे प्रसाद स्वरूप समझकर, भगवान विष्णु का आशीर्वाद समझकर आप अपने घर परिवार के सदस्य भी खा सकते हैं। अन्यथा क्या करें कि उससे आप उसके अंदर गुड़ घी डालकर मीठा सा भोग बनाएं और उस भोग को भगवान को चढ़ाकर उसका आशीर्वाद उनका प्रसाद सारे मित्रों के अंदर आपको बांट देना चाहिए। बस मात्र आपको इतना करना है। और उसके बाद आप क्या करें कि देखें कि गौ माता की कृपा से आपके जीवन के अंदर कितना आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपने चारों दिशाओं के अंदर भोग लगाया है और भगवान विष्णु के निमित्त आपने इस दिन अनंत चतुर्दशी का उपाय किया है, जो आपको कई गुना प्रभाव देगा, कई गुना आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त करवाता है। दोस्तों उसके बाद जो आपने गौ माता के चरणों की मिट्टी ली थी चारों दिशाओं की, दोस्तों ये चारों दिशाओं की मिट्टी हमेशा आपके जीवन के अंदर जो बुरे विकार होते हैं, बुरी शक्तियां होती है, उनको समाप्त करने के लिए विशेष मानी जाती है। तब आप क्या करें कि उस मिट्टी को जो लाल कपड़े के अंदर बांधी है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लटकाएं और इसे कम से कम एक पूर्णिमा से लेकर एक अमावस्या तक, अर्थात 15 दिन का गैप हो, चाहे अमावस्या से पूर्णिमा आए और पूर्णिमा से अमावस्या आए, इस प्रकार से आपको इसे लटका देना चाहिए, ताकि यह आपके घर की सारी नकारात्मकता होगी मुख्य द्वार के माध्यम से बाहर पटक देती है। मुख्य द्वार के माध्यम से बाहर जाने की वजह से आपको कभी भी किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है और आपका काम बन जाएगा और भगवान की कृपा से आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों और आपको क्या चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी बुरे कष्ट है, बुरे विकार है तो वह बन जाए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों यह तो था गौ माता से जुड़ा उपाय और आपके जीवन के अंदर खुशियां बनाने का उपाय। दोस्तों एक बात यह और है कि अनंत चतुर्दशी के दिन एक और विशेष उपाय करने से आपको कई गुना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों आप क्या करें कि किसी ब्राह्मण के निमित्त या किसी भूखे के निमित्त आपको इस दिन कोई थोड़ा सा खाना बनाना चाहिए, चाहे आप एक व्यक्ति के लिए बनाएं या 10 व्यक्तियों के लिए बनाएं, क्योंकि दोस्तों इसे अनंत कहा गया है, अर्थात कि जिसका कभी भी सह ना हो, जिसका कभी भी अंत ना हो। तो आप अपने निमित्त इस उपाय को करेंगे लेकिन दूसरों को खाना खिलाकर, लेकिन इसका फायदा साक्षात आपको मिलेगा और वह भी अनंत मिलेगा। तब आप क्या करें कि भोजन तैयार करवाएं, या तो आप अपने घर के अंदर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी भूखे को आमंत्रित करके अपने घर के आंगन के अंदर ही खाना खिलाएं, या फिर आप अपनी श्रद्धानुसार कहीं भी जाकर मंदिर के बाहर हो या कहीं भी जहां पर आपको कोई भूखा व्यक्ति और विशेष तौर से उसे खाने की जरूरत हो उसको खिला दें और उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांग लें। दोस्तों इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत ही अच्छा पुण्य का काम माना जाता है। अब आप क्या करें कि उनके भोजन के अंदर एक विशेष चीज आपको डालनी है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिले। और दोस्तों वह चीज होती है अनंत चतुर्दशी के दिन धनिये का विशेष महत्व माना जाता है, वह भी साबुत धनिये का जितना महत्व माना जाता है, उससे जुड़ा कोई भी किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं माना जाता। तब आप क्या करें कि साबुत धनिये को आपको आपके खाने के अंदर किस प्रकार से एडजस्ट करना है, किस प्रकार से आप खाना बनाएं कि साबुत धनिया उसके अंदर पड़ जाए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर देखेंगे दोस्तों आने वाले 1 वर्ष के भीतर भीतर आपको कितने अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है और अनंत चतुर्दशी का बहुत ज़्यादा फायदा आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अनंत चतुर्दशी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपको तुरंत प्रभाव से
जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारी जितनी भी सहायता होगी हमारे द्वारा बताई जाएगी। क्योंकि दोस्तों किसी की अगर हमारे उपायों के द्वारा भलाई होती है, किसी का अगर घर बसता है, तो हमें इससे बड़ी क्या खुशी होगी। हमें बस अपने जीवन के अंदर यही चाहिए कि सभी का भला और सभी का कल्याण, ताकि उनके द्वारा जो मिलने वाली आशीष है हमारे जीवन को भी बलवती बनाए और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करवाए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।